So first question is saying that is suppose that the number of runs scored of a delivery is uniform, independent of what happens in other deliveries. Find the probability of hitting at least two sixes while playing four deliveries. So एक ओवर में छह बॉल पे हम कितने रन बना सकते हैं? अगर हम पॉसिबिलिटीज ऑफ रन्स देखें तो एक बॉल पे या तो जीरो रन हो सकता है, या एक रन हो सकता है, या दो रन हो सकता है, या तीन रन हो सकता है, या फोर हो सकता है, या सिक्स हो सकता है. यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं एक बॉल पे रन स्कोर के लिए. तो हमें काउंट करना है हिटिंग एटलीस्ट सिक्सेस, टू सिक्सेस. हमें सिक्स की प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स क्या हुई कि एक बॉल पे सिक्स लग सकता है, जबकि सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है. तो टोटल सिक्स ऑप्शंस हैं, तो सिक्स की प्रोबेबिलिटी है 1/6. ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट टू सिक्सेस व्हाइल प्लेइंग फोर डिलीवरीज. एटलीस्ट टू सिक्सेस फोर डिलीवरी में. तो चार डिलीवरी में कितने सिक्स हो सकते हैं? चार के चारों सिक्स हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट टू की. तो या तो टू सिक्स हो सकता है, या थ्री सिक्स हो सकता है, या फोर डिलीवरी में फोर के फोर सिक्स हो सकते हैं. तो हम काउंट कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी? पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि दो टू सिक्स की, टू सिक्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो टू सिक्स फोर डिलीवरी है, सपोज दैट ये फोर बॉल है, तो इसमें फोर बॉल में कोई भी टू डिलीवरी सिक्स हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये और ये सिक्स हो सकता है. तो इस तरीके से हम 4C2 लेंगे, 4C2 फॉर सेलेक्शन ऑफ टू बॉल्स, एंड प्रोबेबिलिटी 1/6 है. तो 1/6 की पावर 2 एंड 1 - 1/6 यानी 1 - p/6 पी 5/6 की पावर 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिलीवरीज 6 का आ जाएगा 25.6 की पावर 3. इसी तरीके से अगर देखें कि 3 6 हो सकते हैं, तो उसे क्या प्रोबेबिलिटीज हैं? 4C3 × 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 1. सॉल्व करेंगे तो इसको 20/6 की पावर 4 होगा. और ऑल फोर अगर 6 हो तो 4C4 × 1/6 की पावर 4 × 5/6 की पावर 0 और ये 1/6 की पावर 4 होगा. तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे, बिकॉज दिस थ्री ऑल डिसजॉइंट इवेंट. So, इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, 1/6 की पावर 4 कॉमन लेंगे, 150 + 20 + 1 = 171/6 की पावर 4. इसको सॉल्व करेंगे तो 19/144 ये आएगा. यह है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू सिक्सेस की इन फोर डिलीवरीज. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A fair die is thrown 3 times independently. What is the probability that an even number is obtained at least twice? Answer the question correct to decimal points. So, dice में even number क्या क्या है? हो सकते हैं 2, 4 and 6. तो, किसी भी even number के आने की क्या probability है? क्योंकि total 6 options हैं dice में. Even number 3 है. तो, even number आने की probability हो गई 3/6 यानी कि 1/2. तो हमें निकालना क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर इज ऑब्टेन एट लीस्ट ट्वाइस. क्योंकि फेयर डाइस को हम 3 बार रोल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है हमारे पास इवन नंबर है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 2 टाइम्स आ सकता है, या 3 टाइम्स आ सकता है इवन नंबर. क्योंकि 3 टाइम्स डाइस को रोल करें तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आएगा, मतलब 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स दोनों के हमें अलग अलग कैलकुलेट करने होंगे. तो 2 टाइम्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी 1/2 है. तो 3C2, क्योंकि मैं 2 ऑप्शंस लेना है 3 में से, तो 3C2 × 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 1. तो ये जाएगा 3/2 की पावर 3, और 3 टाइम्स लेंगे तो 3C3 × 1/2 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3. इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 4/8, डिवाइडेड इज 0.5. ओके, दिस इज द आंसर. तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. In an examination conducted by ITM on the topic statistic, there are 5 multiple select questions. One or more options can be correct.
and each question has 4 options. Aman decided to mark the answer at random. Find the probability that he gets exactly 2 questions correct. Assume that the answer of each question is independently of the other question. So 5 questions hain. Ek question ke 4 options hain. Aur hame nikalna hai ki at least nahi exactly 2 correct answer ho gaye, iski kya probability hai. Okay. So possible answers for ye multiple select question hai. मतलब एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी सही हो सकता है, चार भी सही हो सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो पॉसिबल्स आंसर्स हैं वो क्या हो सकता है, या तो एक उसमें ऑप्शन सही हो, या तो दो सही हो, या तो तीन सही हो, या तो चार सही हो. तो पॉसिबिलिटीज कितनी है आंसर देने की? पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एक सही होगा तो 4C1, दो सही होगा तो 4C2, थ्री सही होगा तो 4C3 एंड चार सही होगा तो 4C4. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 + 6 + 4 + 1, ये जाएगा 15. मतलब एक क्वेश्चन को 15 तरीके से आंसर किया जा सकता है, लेकिन राइट आंसर तो एक होगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/15. ओके, एक क्वेश्चन को 15 तरीके से आंसर किया जाता है, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, उसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, टू ऑप्शन भी सही हो सकता है, थ्री ऑप्शन सही होता है, फोर ऑप्शन सही होता है. 4C1 + 4C2 + 4C4 जब ऐड करेंगे तो आएगा 15. तो 15 तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर कह सकता है, जबकि एक ही उसका आंसर सही होगा. तो प्रोबेबिलिटी सही होने की है 1/15. ओके, तो हमें कहना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एग्जैक्टली 2 करेक्ट आंसर. तो एग्जैक्टली 2 करेक्ट आंसर तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 5 क्वेश्चन में से चूज करने के 2 हम लेंगे 5C2 और प्रोबेबिलिटी है राइट होने की 1/15. तो 1/15 की पावर 2 इंटू 1 - 1/15 यानी 14 1/15 की पावर 3. This is the right answer. Okay, and this answer is option 1. Okay, thank you.